वेलकम व्यूवर्स, मैं हूँ हैदर खत्री। आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे जर्मनी वीज़ा के लिए। शेंजन वीज़ा है ये, हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट शेंजन कंट्री का सेम कुछ सेम प्रोसेस होता है, लेकिन आज जो है हम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जर्मनी के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से जो है आप इस स्टेज तक पहुँच सकते हैं, क्या क्या आपने करना है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप जाके पहली वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आज जो है हम फिल करेंगे जर्मन वीज़ा के लिए ऑनलाइन फॉर्म। जी ये जो है वेबसाइट लिंक है, ये मैं जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ये भी आपको दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करें और आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपने जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और जो है अगर आपने मज़ीद ऐड करने हैं तो यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है हम ऑलरेडी हमारी पर्सनल डेटा जो यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर जो है आपने लिखना है तमाम, जैसा जैसा आपके पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है वही चीज़ें आपने लिखनी है। सेम टू सेम वही चीज़ें हम फिल करेंगे। फर्स्ट नेम ABC, ओके जी, डेट ऑफ बर्थ जी 01/01/2000 2000 1980 प्लेस ऑफ बर्थ कराची, कंट्री ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान ही लिखेंगे जी। उसके बाद जो सेक्स आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, रीजनल नेशनलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये तो हो गई जी पर्सनल डिटेल। अच्छा जी, डू यू विश टू एक्सरसाइज राइट टू फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट इन एक्सेसिंग देयर राइट द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ नेशनल। ओके, दिस इज नॉट दिस वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग हेयर। ओके, करंट ऑक्यूपेशन जो है आपका, जो भी ऑक्यूपेशन है, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, या जो भी आपका है कंपनी नेम, आपने जो है जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो डाल देना है। स्ट्रीट एड्रेस आपने डाल देना है, हाउस है तो वो डाल देना है, पोस्टल एड्रेस जो है अगर आपका जो भी है वो यहाँ पर कर देना है, बाकी जो है यहाँ पर जो भी कंट्री है सिटी है वो आपने डाल देनी है। कंट्री जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है अभी हम, हमने सेलेक्ट करने नहीं है। कॉन्टेक्ट डेटा के अंदर जी स्ट्रीट एड्रेस आपने डाल देना है, हाउस नंबर जो भी है आपका वो आपने लिख देना है, एड्रेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट अगर आप डालना चाहते हो तो वो डाल दीजिए। पोस्टल एड्रेस जो है 111/111 डाल देते हैं जी। टाउन जो है दुबई आ गया है जी। कंट्री जो है आपकी वो आपने डाल देनी है। क्या जी, इज योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन देट ऑफ योर करंट नेशनलिटी? यस। डिटेल ऑन द एप्लीकेशन राइट टू रेजिड इन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, टाइप ऑफ ऑथोराइजेशन और रिटर्न रेजिडेंस परमिट। यहाँ पर जो है आपने डाल देना है वीज़ा, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑथोराइज एंड रिटर्न रेजिडेंट परमिट नंबर आपने डाल देना है, जो भी आपका नंबर है यहाँ पर 01 भी नंबर आपका है, स्लैश नंबर वीज़े के अंदर दिया हुआ है वो आपने डाल देना है। वैलिड आपका कब तक है जी? 1/1/2025 तक वैलिड है जी। ओके जी, डॉक्यूमेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन पेपर एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है आपका रेगुलर पासपोर्ट है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपका है AB 1 2 3 4 5 6 भी नंबर है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर आपका जो अभी आईडी नंबर है 1 2 3 4 5 6
आपने डालना है डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है जी आपका। मान लें कि हम यहाँ पर जनवरी 2 डाल देते हैं, आज ही जी वैलिड टिल जी कब तक वैलिड है आपका, तो हम जो है 2030 तक डाल देते हैं। ये मैं अभी फ़िलहाल रेंडमली फिल कर रहा हूँ, आपने जो एज़ पर जो टेल है वही आपने फिल करनी है। कहाँ से इशू हुआ है, इशूड बाय इन, बायोमेट्रिक डेटा, हैव यू फिंगरप्रिंट द कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर इन शेंजन। आपने अगर पहले शेंजन कंट्री के लिए अगर कोई वीज़ा अप्लाई किया है तो आपका बायोमेट्रिक देने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है विजिट स्टिकर नंबर इतना इतना सो हमने नहीं दिया है, तो हम जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट हैज़ बीन कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द, हम यहाँ पर लीव कर देते हैं क्योंकि हमने पहले कभी नहीं दिया है। ट्रेवल पर्पज़ जो है आपका क्या है, टूरिज़म है जी, अदर स्पेसिफाई आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है जी, टूरिज़म है जी, विजिट फॉर फैमिली है, कल्चर है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका। तो अभी फ़िलहाल हम टूरिज़म के लिए ही जा रहे हैं, टूरिज़म ही सेलेक्ट करेंगे, टूरिज़म ही के लिए जा रहे हैं। मेंबर स्टेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री, कहाँ पर आप इंटर करेंगे जी, जर्मनी में इंटर करना है। मेन ट्रेवल डेस्टिनेशन जो है आपकी क्या है, जर्मनी ही है। नंबर ऑफ द एंट्री, सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, मेन ट्रेवल डेस्टिनेशन जो है आपकी जो भी है आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम फ्रांस भी चले जाएंगे जी, इसके बाद जो है हम फ्रांस के बाद जी हम जो है स्विट्ज़रलैंड भी चले जाएंगे जी। थ्री कंट्रीज हमने सेलेक्ट कर ली, जहाँ जहाँ आपने ट्रेवल करना है वो आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल जी, कब आपने जाना है, हम बिल्कुल जो है 29 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, आपने वहाँ से कब होना है जी, तो जो 29 फेब आ गया है तो मार्च में जो है हमने वापस आ जाना है जी, तो जो है 11 मार्च को वापस आ जाना है। अच्छा जी, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ये जी हम यूनाइटेड रेजिडेंट परमिट है जी, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, एंट्री वीज़ा रेजिडेंट परमिट है जी। हमने वापस दुबई आना है तो हम यहाँ पर जो है उसी का नंबर डालेंगे, भी नंबर आपका है वो आप डाल सकते हैं। फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन दुबई है जी हमारा। इशू कब हुआ है जी, वैलिड फॉर्म कहाँ से कहाँ तक जी वैलिड है, ये जो है एक मार्च 23 से जो है तक वैलिड है जी, जी रेफरेंस नंबर, इनवाइटिंग पर्सन, जी इनवाइटिंग पर्सन जो है कोई भी नहीं है हमारा, तो रेंटर इनवाइटिंग हो रही कोई भी रेफरेंस नहीं है मेरे भाई, कल डालना है तो हम डाल देंगे। तो होटल का एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको जो भी लिखना पड़ेगा, रिजर्वेशन नंबर आपको यहाँ डालनी पड़ेगी, बिजनेस टाउन जो भी है आप, जर्मनी है तो
नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर वैसे ही छोड़ देंगे, रेफरेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद क्यों करेंगे पीडीएफ। ये जो है हमारा यहाँ पर जो है फॉर्म फिल होके आ गया है जी, तमाम डिटेल जो है हमारी यहाँ पर जो ये पीडीएफ फॉर्म हमारा जो है, ये बारकोड वगैरह भी सब आ गया है। तो ये जो है आपने फॉर्म लेकर जो है पीएफएस पे अपॉइंटमेंट के साथ आपने जाना है, वहाँ जाकर जो है आपने इसको सबमिट करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो है मज़ीद डिटेल डालना चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस में आप जो है होटल डालकर जो है उसकी तमाम डिटेल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह हम यूएसए के वीज़े के अंदर होटल की डिटेल डालते हैं, यहाँ पर भी आप सेम टू सेम होटल की तमाम डिटेल यहाँ पर फिल करके, अगर आपने जो भी बुकिंग की है तो बुकिंग रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें आपने डाल के यहाँ से जो है आप इसको भी सबमिट कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल डालेंगे, आपका जो है फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। फॉर्म आप जो है उसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट लेके डॉक्यूमेंट जो जो आपने अटैच करने हैं वो लेके आपने वीएफएस जाना होगा, और आपने वहाँ जाकर जो है पेमेंट भी कर सकते हैं और जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी आपके सवाल आते हैं कमेंट्स में मुझे लिख के आप बताइए, तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जी हज़र कत्ती को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।